नमस्कार, मैं हूँ सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। मरियागंज ब्लॉक में साइकिल वितरण कार्यक्रम में अल्पसंख्यक लाभार्थियों की अधिक संख्या देख विधायक हुए नाराज। सिद्धार्थनगर जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य डुमरियागंज ब्लॉक में साइकिल वितरण कार्यक्रम में पहुँचे। श्रम विभाग द्वारा 25 लाभार्थी विद्यार्थियों में साइकिल का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अल्पसंख्यक लाभार्थियों की अधिक संख्या देख नाराज हो गए, जिसकी शिकायत उन्होंने मंत्री से भी की। साइकिल वितरण कार्यक्रम में विधायक नहीं शामिल हुए। वहीं इस बारे में जब प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि साइकिल हिंदू व मुस्लिम में नहीं बांटी जाती है। पंजीकृत मजदूरों के बेटे व बेटियों को साइकिल दी जाती है। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफाक की यह खास रिपोर्ट। ये साइकिल हिंदू और मुसलमानों में नहीं बांटी जाती है। पंजीकृत मजदूरों के बेटियों और बेटों को, जो 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास इंटर क्लास पास करते हैं, उनको दी जाती है। एक बार ये साइकिल सहायता दी जाती है, चाहे 9th क्लास पास करने पर ले, 10th पास करने पर ले, 11th पास करने पर ले या इंटर पास करने पर ले। एक ही बार में पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, पढ़ें बेटियाँ, बढ़े बेटियाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसलिए मजदूर के बच्चे भी इस पढ़ाई में कहीं पीछे न रह जाएं। श्रम विभाग पंजीकृत मजदूरों के बेटियों और बेटों को इस प्रकार से विभिन्न आर्थिक सहायता देने के साथ साथ संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के क्रम में हम साइकिल भी वितरित कर रहे हैं। जो भी पंजीकृत मजदूर है, वो पंजीकृत मजदूर की बेटी या बेटा, हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी हो, हम उससे आच्छादित करते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं, वो जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर करके गरीबी के आधार पर, पात्रता के आधार पर हम लाभ देते। उन्होंने कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। वो फिर होगा, और फिर जब कभी होगा तो उसमें माननीय विधायक जी स्वयं रहेंगे। और अभी भी यहाँ पर महिलाओं को मेट का प्रमाण पत्र दिया जाना है, उसको भी देखिए कि हमारी सरकार क्या कर रही है। उस पर जाइए, कौन पा रहा है कौन नहीं पा रहा है, जो पात्र होगा वो पाएगा।